जुलाई 2023 में लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने वाले नर्सिंग स्टाफ पर शासन ने हड़ताल के समय का वेतन काटने सहित वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया है। इस निर्णय की जानकारी लगने पर नर्सिंग स्टाफ ने आपत्ति जताई है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंची नर्सों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। नर्सों ने बताया कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पर गए थे, जबकि आम दिनों में वे मरीजों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए निरंतर सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में शासन उनके कार्यों को देखते हुए वेतन वृद्धि रोकने के निर्णय को वापस ले एवं हड़ताल अवधि 7 दिन का रोका गया वेतन भी जारी करे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। हम लोग ने नर्सिंग एसोसिएशन जो प्रदेश की नर्सेस है वो दिनांक 10/7/2023 को जिन्होंने पूरे प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा हड़ताल की गई थी उस सिलसिले में हमारा 10/7 दिन का वेतन रोका गया है अभी, और एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए गए। तो हमारे ये मांग है कि कलेक्टर महोदय जी से मंत्री जी को ये ज्ञापन देने आए कि हमारे 7 दिन का वेतन हमें दिया जाए, और जो आगामी वेतन वृद्धि रोकने का अभी आदेश करने वाले उस पर मुख्यमंत्री जी विचार करें और रोक लगा दी जाए, ताकि प्रदेश नर्सेस में उनके प्रति जो वो सद्भावनाएं बनी रहे, आक्रोश में ना आए, उनसे ये निवेदन करने आए। मैं स्वाति वाडेकर, जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।